कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग स्वैपिंग का प्रोग्राम बना करके देखेंगे। इसमें हम कॉल बाई वैल्यू से भी स्वैप कराएंगे और कॉल बाई रेफरेंस से भी स्वैप कराएंगे। दो टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैंने, दो लेबल बनाया। लेबल में मैं यहाँ पर एक उसका जो कैप्शन चेंज करके मैं लिख देता हूँ ए, और लेबल टू का जो कैप्शन है वो चेंज करके लिख देता हूँ बी। लेबल वन का जो सॉरी टेक्स्ट वन जो है इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, टेक्स्ट टू को भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ। और मैं यहां पर एक बटन बनाता हूं, इस बटन पे मैं लिख देता हूं स्वैप बाई वेल। सबसे पहले स्वैपिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। अगर ए की ए में मैंने वैल्यू दी है 3 और इसमें दी है मैंने 8, ए की वैल्यू अभी क्या है 3 है, बी की वैल्यू क्या है 8 है। अगर मैं स्वैप करता हूं, अभी हम बाई वेल और बाई रेफरेंस को छोड़ देते हैं, केवल स्वैप की बात करें, स्वैप बटन पे क्लिक करते ही 8 जो है 8 जो है वो इधर आ जाएगा और 3 जो है वो इधर आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। एक दूसरे की वैल्यू को इंटरचेंज करने का जो प्रोसीजर होता है या प्रोसेस होता है उसको स्वैपिंग बोलते हैं। लेकिन ये स्वैपिंग हम दो मेथड से कर सकते हैं, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। तो कॉल बाई वैल्यू का यूज करके हम आज स्वैपिंग करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले मैं कोड करता हूँ कॉल बाई वैल्यू का। ये आपके असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है, प्लस आपके एग्जाम में जो कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस आता है उसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख सकते हो। कोड करते हैं स्वैप बाई वेल, मैं डबल क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, दो वेरिएबल बनाया। ए की वैल्यू आई टेक्स्ट वन से, बी की वैल्यू आई टेक्स्ट टू से। अब अगर मुझे स्वैपिंग करना है तो स्वैपिंग का कोड मैं हम लोग पहले भी देखे हैं कि अगर हमें स्वैप करना होता है तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ता है। ये वेरिएबल में मैं कुछ इस तरीके से स्वैप करता हूँ, सी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। यहां पर ये 3 लाइन का जो कोड है इससे मैंने स्वैप कर दिया। अब जस्ट उल्टा कर देते हैं, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट में मैंने ए दे दिया और टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट में मैंने बी दे दिया। तो यहां पर जो टेक्स्ट वन से जो वैल्यू ली गई थी ए में और टेक्स्ट टू से जो वैल्यू ली गई थी बी में, इस लाइन पर कोड लिख करके उनको स्वैप कर दिया गया। स्वैप की कोडिंग हम पहले भी देखे हैं कि अगर हमारे पास दो चेयर हैं और दो लोग बैठे हैं और एक पहले वाले को उठा के दूसरे चेयर में बैठाना है, दूसरे को उठा के पहले चेयर में बैठाना है, तो एक ब्लैंक चेयर लेनी पड़ेगी। पहले वाले पर्सन को एक ब्लैंक चेयर में बैठना पड़ेगा, फिर पहले वाले का चेयर जो है वो खाली हो जाएगा, दूसरा वाला पहले के चेयर में बैठेगा और फिर जो ब्लैंक चेयर में बैठा था वो दूसरे के चेयर में बैठ जाएगा। इस तरीके से सेम वैल्यू को रिटर्न कर दिए। कोड क्या होता है देखते हैं इसको। मैं यहां पर लिख रहा हूं 6 और यहां पर लिख रहा हूं 2। स्वैप पे क्लिक करते ही वो स्वैप हो जा रही है, वैल्यू क्या हो रही है स्वैप हो जा रही है, क्लियर है। लेकिन अभी हमने सिर्फ स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया, अगर इसको कॉल बाई वैल्यू से मुझे बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए कोड विंडो में टूल में जाके एड प्रोसीजर पे जाएंगे। फंक्शन का नाम मैंने लिखा स्वैप बाई वेल, मैंने नाम रख दिया है बाई वेल या स्वैप वेल लिख देता हूं मैं। स्वैप वेल मैंने फंक्शन लिखा और यहां पर मैंने एक फंक्शन रेडी कर लिया है। यहां पर मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, बाई वेल एक्स एज इंटीजर और बाई वेल वाई एज इंटीजर। यहां पर जो बाई वेल की वर्ड का यूज किया गया है यही परफॉर्म करता है कि बाई वेल होगा कि बाई रेफरेंस होगा। अब मैं ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को मैं यहां पर लिख दूंगा, फंक्शन को दे दिया मैंने और यहां से मैंने कोड को डिलीट कर दिया है, कोड को डिलीट कर दिया। अब यहां पर जो काम हो रहा था वो ये फंक्शन काम करेगा, लेकिन यहां पर मुझे इसको कॉल कराना पड़ेगा। मैं यहां पे लिखूंगा स्वैप वेल ए कॉमा बी, यहां पर फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। और विजुअल बेसिक में जब भी हम फंक्शन की कॉल करते हैं ब्रैकेट लगा के, तो फिर उसको वैल्यू को होल्ड कराने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता है, नहीं तो एरर आता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे तो ये इस तरीके से एरर देगा, एक्सपेक्टेड इक्वल टू। तो यहां पर हम इक्वल टू लगा के एक वैल्यू होल्ड करा लेते हैं, इसका कोई अभी फिलहाल मीनिंग नहीं है। ये दोनों वैल्यू जो है ए और बी की वो मैंने पास कर दिया एक्स और वाई में।
और यहां पर एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो मैंने यहां पर स्वैप कराया। यहां पर मैं एक्स कर देता हूं, यहां पर एक्स कर देता हूं, बी की जगह मैं वाई कर देता हूं, और एक्स और वाई, ये आपका कोड रेडी है। और मैं जब इसको रन करूंगा तो आपका कुछ कोड इस तरीके से दिखाई देगा। अब अगर मैं लिखता हूं 6 और 4 तो ये स्वैप हो रहा है, और ये कॉल बाय वैल्यू के साथ में हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू के साथ में स्वैपिंग हो रही है। और मैं इसका फॉर्म डिजाइन थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। अभी मैं इसको रन कराऊंगा, कोड के साथ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये फॉर्म को मैंने छोटा कर दिया है, ये कोड के साथ आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दिख रहा है। अगर मैं यहां पे लेता हूं 6 और यहां पे लेता हूं 2, कॉल बाय वैल किया मैंने, ये वैल्यू स्वैप होते हुए दिख रही है आपको, यहां पर वैल्यू स्वैप हो रही है। स्वैप करने के लिए मैंने फंक्शन कॉलिंग का यूज किया है, साथ में कॉल बाय वैल का यूज किया है, यानी बाय वैल्यू के द्वारा फंक्शन कॉलिंग का यूज करके मैंने स्वैप किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूं, ये असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसी मेथड को मुझे कॉल बाय रेफरेंस से करना है तो मैं कॉल बाय रेफरेंस से इस मेथड को सेम कैसे करूंगा इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉल बाय रेफरेंस से इस मेथड को करना है तो हमको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ यहां पर बाय वेल मिटा के क्या लिखना होगा, बाय रेफरेंस, यहां भी बाय वेल मिटा के क्या लिखना होगा, बाय रेफरेंस। अब चूंकि ये बाय रेफरेंस है और ओरिजिनल वैल्यू यहां से आती है इसलिए यहां पर एज इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, डेटा टाइप अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यही प्रोग्राम जो है आपका कॉल बाय रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको नाम चेंज कर देता हूं, आपका प्रोग्राम कॉल बाय रेफरेंस में कन्वर्ट हो चुका है। 8 और 6 ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये आपका कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम है। तो दोनों प्रोग्राम में काफी ज्यादा अंतर नहीं है, यूजर को कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कॉल बाय रेफरेंस का यूज कर रहा है कि वो कॉल बाय वैल्यू का यूज कर रहा है। सिर्फ प्रोग्रामर को पता होता है कि यहां पर जो कॉलिंग हो रही है कि वो कॉल बाय वैल्यू है कि कॉल बाय रेफरेंस है। एंड यूजर को, जो जिसको सिर्फ ये वाली स्क्रीन दिखाई देती है, उसको पता नहीं चलता कि अंदर कॉल बाय वैल्यू है कि कॉल बाय रेफरेंस है। दोनों में अंतर सिर्फ इस कीवर्ड का है, यहां पर जो आपको दिख रहा है कॉल बाय रेफरेंस और वहां पर जो था वो था कॉल बाय वैल्यू, क्लियर है। तो ये दोनों एग्जांपल थे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के। अब दोनों में एग्जाम में आता है डिफरेंस लिखने के लिए, तो आप डिफरेंस उसमें लिख सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट मेथड नहीं है, आपको मैं एक बार दिखा दूं कि डिफॉल्ट मेथड क्या होता है। अगर मैं यहां पर कुछ भी नहीं लिखता, इसको ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर न तो बाय वैल लिख रहा हूं और न ही बाय रेफरेंस लिख रहा हूं, इसके बाद भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये स्वैप हो रहा है। ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, ना तो बाय वैल लिख रहे हैं और ना ही बाय रेफरेंस लिख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये कॉल बाय रेफरेंस ही होता है, बाय डिफॉल्ट ये कॉल बाय रेफरेंस में ही चला जाता है। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो ये कॉल बाय रेफरेंस में आता है, और आपको अगर कॉल बाय वैल्यू करना है तो यहां पर बाय वैल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो अब हम दोनों का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं, लाइन से पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू में बाय वेल कीवर्ड का यूज होता है, कॉल बाय रेफरेंस में बाय रेफ कीवर्ड का यूज होता है। कॉल बाय वैल्यू डिफॉल्ट मेथड नहीं है, यानी कि आपको अगर कॉल बाय वैल्यू करना है तो बाय वेल कीवर्ड लिखना कंपलसरी है। दूसरा डिफरेंस है कि कॉल बाय रेफरेंस जो है वो डिफॉल्ट मेथड है, अगर आप कॉल बाय रेफ कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो भी वो बाय रेफरेंस ही चला जाएगा। तीसरा डिफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में एक्स्ट्रा मेमोरी या ज्यादा मेमोरी लगती है क्योंकि वेरिएबल की डुप्लीकेट कॉपी पास होती है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में कम मेमोरी लगती है। चौथा डिफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा स्लो हो सकता है,
जबकि कॉल बाई रेफरेंस की में प्रोग्राम जो है इजीली या फास्ट होता है। अगला या पांचवा डिफरेंस, कॉल बाई वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ एक या सिंगल वैल्यू ही रिटर्न की जा सकती है, कॉल बाई रेफरेंस में मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराई जाती है। मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराने के लिए रेफरेंस का ही यूज करते हैं। और इनके बीच का ये जो एग्जांपल है इसको लिख करके आप ये डायग्राम डिजाइन कोड और उसका प्रॉपर्टीज लिख करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं तो आप लोग इसको ग्रुप में भी शेयर करेंगे। और अभी मैं अभी आप लोग से फीडबैक लूंगा, कुछ डाउट होगी तो आप लोग बताएंगे। तो